सूर्या का क्या है सूर्या का क्या वो भी, कौन्टर्वर, भी हुई है, है बनाया हुआ है वैसे भी भी है। वो भी हम जरा से देखेंगे बॉलिंग एक्शन पे भी काफी ज़्यादा क्वेश्चन रेज हुए थे लेकिन आईसीसी हमेशा अपनी आंखें बंद कर लेता है एक मिनट एक मिनट जरा आई सी का रूल कौन बना रहा है आईसीसी को चलाया कौन रहा ICC उकुबत, उकुबत की है आईसीसी पे सी हुत किसकी है 2007 का फाइनल खेला 2011 खेला 2024 का और फाइनल जीतने के साथ उनकी टीम आईसीसी सी रहा है जय हिंद दोस्तों मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात कर है कैसे भारत ने पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स के जिनमें इंजमाम हक भी शामिल है उनके मुताबिक आईसी ने भारत को फेवर दे के वर्ल्ड कप का फाइनल फिक्स करवा के ये मैच भारत को जीतवाया और ये पाकिस्तानी मीडिया खुले पाकिस्तानी टी चैनल पे बोल रहा है पाकिस्तानी मीडिया इसके सबूत के तौर पर यह दिखा रहा है कि जो कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था वो असल में छक्का था पर अंपायर ने जानबूझ के उसे कैच दे दिया और अंपायर पहले ही भारी की तरफ हो गए थे और उन्हें पता था कि अगर हमने भारत की तरफ फैसला ना दिया तो आईसीसी हमें निकाल देगा तो ये सब कॉन्सप्यूजिव थ्योरी पाकिस्तानी अब बना रहे भारत की जलन में तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो ऐसा आप पूरा चर्य दिखेगा तो चलिए और इंतजार करके के वीडियो देखते हैं कैसे इंडियन बॉलर के बारे में कोई बात की जा रही हो ऐसा कोई एलिगेशन लगाया जा रहा हो इससे पहले आपको याद होगा अश्विन के बॉलिंग एक्शन पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन रेज हुए थे लेकिन आईसीसी हमेशा अपनी आंखें बंद कर लेता है एक में एक में जा रहा है का रूल कौन बना रहा है आईसीसी को चला कौन रहा है ICC पे सी सीबत किसकी है 2007 का फाइनल खेला 2011 खेला 2024 का ये फाइनल जीतने जा रहे हैं मैं यकीनी तौर तो पर इस प्रोग्राम के तव से कह दू इंडिया की टीम फाइनल जीतेगी और फाइनल जीतने के साथ उनकी टीम 100 रहा। इसमें आप प्रोग्राम निकाले ना जो मसाला आपको बहुत ज्यादा को बहुत सी फेवर दी गई ये किया गया, वो किया गया ग्राउंड में जीता जिस तरीके से बुमराह ने किया जिस तरीके से पांड्या ने किया वो भीट हुई है वो भी गौर से देखेंगे हम भी जरा फोकस करके पे देखने की कोशिश के हवाले से बहुत बात की जा रही है कौन सा अल्फाज इस्तेमाल कर

कुछ जो है वो अपना अपना वो जो है जगह पुना दिखा कर इस वर्ल्ड कप में आए और इस वर्ल्ड कप में हमने जो है वो फाइनल जीता है इंडिया को इतना अंपायर्स ने देखा भी नहीं है इंडिया की दफा अंपायर्स ने भी चीटिंग की है सूर्य कुमार यादव के कैच के ऊपर भी इंजमाम ने बोला कि वो क्लियरली छक्का था अगर वो उधर छक्का दे दिया जाता तो अंपायर्स को नौकरी से निकाल देना था क्योंकि 2022 वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली ने जान के नो बॉल ली थी मोहम्मद नवाज की बाल के ऊपर जब पाकिस्तान इंडिया के एम सी में मैच खेला जा रहा है

टाइम से इससे मुलाकात नहीं हुई मैं से बोलूंगा आजा भाई किसी दिन लंच करते हैं बैठते हैं अच्छा बहुत अच्छा गाना गाता है कुमार सानू मैं तो नहीं समझाता भाई किसी को मैं नहीं कहता हूँ दोनों भाइयों के पचास पचास की बत्ती बनाओ अंदर डाल लो ये छुप छुप के रोहित शर्मा विराट कोहली राजीव जडेजा हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की पोस्टे लाइक कर रहे हैं ये छुप छुप के देख रहे हैं इनकी ये असल में पाकिस्तानी फैंस के क्यों तो तो लग, लग रही है अबे हमारी स्टैंडिंग इस कदर गुजरी जो पिछले साल हसन रजा पाकिस्तान के फॉरवर्ड प्लेयर उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल सी बात कर दी थी कि बॉल में चिप लगी हुई है ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव में ना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की चिप थी उसको पता था कि अभी हार्दिक पांड्या आएगा उसको आखिरी ओवर मिलेगा बॉलों में छह रन सोलह रन चाहिए होंगे डेविड मिलर स्ट्राइक पे होगा और ऐसा प्रेशर बन चुका होगा तो मैं एक काम करता हूं कि जो फील्डिंग रोप है ना जो बाउंड्री स्कर्टिंग है उसको मैं पीछे कर देता हूँ और वो जो लाइन है ना वो किसी को नजर नहीं आएगी वो जब हम वो मैं एक मैजिकल कैच जब पकड़ लूंगा ना जो उसके बाद जब हम जीत जाएंगे उसके बाद लोग जूम कर करके देखेंगे हर एंगल से वीडियोस निकालेंगे उसके बाद वो बताएंगे कि कैच कंट्रोवर्सी है मतलब यार वाकई सूर्या कुमार यादव ने अपने पास कोई फ्यूचर की चिप लगा ली है उसने कि तो उसको पहले से पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है और उसने इतना वो स्मार्ट है सूर्या कि उसने पहले से प्लान कर लिया था मतलब यार क्रिकेट चलो कोई भी दुनिया का खेल ले लो हम क्रिकेट में कहते हैं ना क्रिकेट इज अ स्पोर्ट चलो कोई भी दुनिया का खेल ले लो एक चीज आपने सुनी होगी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप हारते हो तब भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हो आप जीतते हो तब भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हो मतलब अगर हमारी टीम नहीं जीती किसी और मुल्क की टीम नहीं जीती में साउथ अच्छा मजे की बात है साउथ अफ्रीका के कुछ ट्विटर अकाउंट को देख रहा था वो भी फुल कॉन्ट्रोवर्सी ब्लोन अप कर रहे हैं चलो दोस्तों वीडियो बात करते हैं तो जब से भारत ने आई सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है और बी सी सी आई ने एक सौ पच्चीस करोड़ जो पी सी बी के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है वो ब्यास मनी के तौर पर देने का फैसला किया है तो पाकिस्तानी मीडिया पबला गया है और पाकिस्तानी मीडिया को भारत की ये जीत पहुँचा नहीं पा रहे हो इसीलिए ऐसी कॉन्सि थ्योरी बना रहे और जो चीटिंग और मैच फिक्सिंग की बातें करते हैं तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कन्विकड है मैच फिक्सिंग में और कुछ प्लेयर्स जेल भी जा चुके हैं और पाकिस्तानी मीडिया तो बेसर्मी के साथ अपनी टीम के ऊपर मैच फिक्सिंग के खुलेआम आरोप लगाते हैं मतलब की ये खुलेआम कहते पाकिस्तानी आसानी से बिक जाते हैं तो अगर ये अपनी टीम के ऊपर बेसर्मी से मैच फिक्सिंग के आरोप लगा सकते हैं तो दूसरी टीम के ऊपर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इन्हें पता है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल पे ऐसा बोलने से उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा और उनकी टी आर पी भी और भी ज़्यादा बढ़ेगी तो इसीलिए वो ऐसी बकवास करते हैं उन्हें अगर पता हो कि वो इसके बलबूते पे अदालत में घसीटे जा सकते हैं तो वो अपनी ज़ुबान नहीं खोलेंगे पर पाकिस्तान में लॉ तो कुछ है नहीं तो इसीलिए उन्हें पता है कि ये सब करने से उनका सिर्फ फायदा ही होगा टी आर पी के ज़रिए और फेमस होंगे कोई नुकसान नहीं होगा और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भारत की जीत हो गई है और दुनिया को पता है कि भारत ने कैसे जीता है अभी मेहनत से तो पाकिस्तान की तरह रोना धोना करे कोई फर्क पड़ता नहीं है तो चलिए देखते कि फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना थैंक यू वेरी मच